साधुवाद। अब मैं देश के सर्वोच्च नेता अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रद्धेय राहुल गांधी से अनुरोध करूंगा, राहुल गांधी जी से अपना मार्गदर्शन देना कष्ट करें। श्रद्धेय राहुल गांधी जी, धन्यवाद। कमलनाथ जी, सुरेश पचौरी जी, गोविंद सिंह राजपूत जी, ब्रिजेंद्र राठौर जी, हर्ष यादव जी, कमलेश्वर पटेल जी, प्रदीप जायसवाल जी, हीरा सिंह जी, रेखा चौधरी जी, शैलेंद्र रघुवंशी जी, हमारे कैंडिडेट प्रभु सिंह ठाकुर जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के सब वरिष्ठ नेता, भाई और बहनों, कांग्रेस के प्यारे कार्यकर्ताओं, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। इतनी गर्मी में आप आए, दूर दूर से आए, और खासतौर से जो महिलाएं आई हैं, आप सबका मैं धन्यवाद करता हूं। चुनाव का समय है, चुनाव का समय है दो विचारधाराओं की लड़ाई। एक तरफ कांग्रेस पार्टी, दूसरी तरफ बीजेपी नरेंद्र मोदी जी। आप देखिए, जहां भी मोदी जी जाते हैं कोई ना कोई झूठ बोल जाते हैं। वही बात शिवराज चौहान जी की है। कल मैंने भाषण में, कमलनाथ जी ने मुझे दिखाया, कर्जा माफी की बात हो रही है, कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में कर्जा माफ किया। पहले प्रधानमंत्री कह रहे थे पैसा कहां से आएगा, हमने दिखा दिया, 10 दिन नहीं लगे, 2 दिन में हमने कर्जा माफ कर दिया। उसके बाद प्रधानमंत्री आते हैं, कहते हैं कर्जा माफ नहीं हुआ। शिवराज चौहान जी कहते हैं किसी का कर्जा माफ नहीं हुआ। कल कमलनाथ जी ने मुझे दिखाया, कल दिखाया कि शिवराज चौहान जी के परिवार के 2 लोगों का कांग्रेस पार्टी ने कर्जा माफ किया है। आज सुबह शिवराज चौहान जी कहते हैं नहीं, कोई ना कोई गलती हुई है। और अभी कमलनाथ जी ने ये फॉर्म दिखाया है, देखिए मैं भी आपको दिखा देता हूं। ये दो फॉर्म है, उन्होंने अप्लाई किया, शिवराज चौहान जी के परिवार के लोगों ने अप्लाई किया, यहां उनके नाम है, कर्जा उनका माफ हुआ। और आपके एक्स चीफ मिनिस्टर, मध्य प्रदेश के एक्स चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि कर्जा माफ नहीं हुआ। अब तो झूठ बोलना बंद कीजिए शिवराज चौहान जी, अब तो झूठ बोलना बंद कीजिए। मगर मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगी, एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी प्यार से राजनीति करती है। देखिए कितना बढ़िया काम किया हमने, हमने सिर्फ मध्य प्रदेश के किसानों का भला नहीं किया। जिस व्यक्ति ने, शिवराज चौहान जी ने, जिसने कांग्रेस पार्टी के बारे में एक के बाद एक झूठ बोला, विपक्ष के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनको भी कांग्रेस पार्टी ने प्यार से कर्जा माफ करके दिया। देखिए, जहां भी जाते हैं वो नफरत की बात करते हैं, और कांग्रेस पार्टी जो भी करती है दिल खोल के प्यार से करती है, चाहे वो कर्जा माफ हो, चाहे वो न्याय योजना हो, मनरेगा हो, भोजन का अधिकार हो, हम जनता की आवाज सुनकर आपका काम करते हैं। पिछले 5 सालों में, जैसे कमलनाथ जी ने कहा, नरेंद्र मोदी जी ने बहुत झूठ बोले। 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में डाल दूंगा, 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार दिलवा दूंगा, किसानों का कर्जा माफ कर दूंगा, किसानों को सही दाम दिलवा दूंगा। नरेंद्र मोदी ने ये बातें बोली। 15 साल यहां बीजेपी की सरकार, 5 साल नरेंद्र मोदी जी की सरकार,
जो 15 साल में नहीं कर पाए वो हमने 2 दिन में किसानों के लिए करके दिखा दिया। क्यों किया? क्यों किया? क्यों किया? भैया नारे मत लगाइए प्लीज, थोड़ा भाषण चल रहा है, डिस्टर्ब मत कीजिए। क्यों किया? क्योंकि आपने, मध्य प्रदेश के किसानों ने हुक्म किया था, ऑर्डर दिया था। आपने कहा हमसे, देखिए 15 साल से यहां पे किसानों की मदद नहीं हो रही। आपने कहा 5 साल से नरेंद्र मोदी दिल्ली में बैठे हैं, उन्होंने हमें झूठ बोला। उन्होंने भरोसा दिया था कि कर्जा माफ होगा, उन्होंने भरोसा दिया था कि सही दाम मिलेगा, उन्होंने नहीं किया। राहुल जी बहुत कष्ट है, कमलनाथ जी बहुत कष्ट है, मुश्किल में है हम, आप हमारी मदद कीजिए। हमने 2 दिन में करके दिखा दिया। और उसके बारे में शिवराज चौहान जी झूठ बोल रहे हैं। फोन में हमारे पास, कमलनाथ जी एक कॉपी उनको भिजवा दीजिए, एक कॉपी इनकी, उनके परिवार की फोन की एक कॉपी शिवराज चौहान जी के यहां भेज दीजिए। अब देखिए 5 साल नरेंद्र मोदी ने अन्याय किया। हिंदुस्तान के लोगों से कहा 15 लाख कर्जा माफ, 15 लाख रुपए डालूंगा बैंक। इस बात को मैंने पकड़ लिया, कांग्रेस पार्टी ने पकड़ लिया। हमने सोचा कि नरेंद्र मोदी ने 5 साल पहले भरोसा दिया था, तोड़ दिया, हमें कुछ करना चाहिए। 5,55,000 करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी ने 15 लोगों का कर्जा माफ किया है, अनिल अंबानी, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, ऐसे लोगों का पूरा का पूरा पैसा आपसे छीनकर उनको दिया। तो मैंने सोचा चलो ट्राई करते, देखी जाती है क्या करा जा सकता है, पता लगाते हैं। 5 महीने पहले मैंने कांग्रेस पार्टी के इकोनॉमिस्ट को बुलाया, 5 महीनों से काम चल रहा है। जो मैं आपको आज बोलने जा रहा हूं ये आज की बात नहीं है, ये 5 महीने से इस पे काम चल रहा है। बुलाया मैंने उनसे, कहा देखिए कांग्रेस पार्टी एक काम करना चाहती है। क्या करना चाहती है? जनता के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट पैसा डालना चाहती है। राहुल जी ये आपने कैसे बात कर दी? ऐसे थोड़ी होता है, जनता की जेब में पैसा थोड़ी डाला जाता है। कितने लोगों के बैंक अकाउंट में आप पैसा डालना चाहते हो? मैंने कहा 25 करोड़ लोगों, 25 करोड़ लोगों को मैं पैसा देना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी देना चाहती है 5 करोड़ परिवारों को। आप जाइए पता लगाइए कितना पैसा हम गरीबों के बैंक अकाउंट में डाल सकते हैं। मुझे नंबर चाहिए, झूठा नंबर नहीं चाहिए, सच्चा नंबर चाहिए। अगर 10 रुपए डाल सकें तो 10 बता देना, अगर 50 डाल सके तो 50 बता देना, सच्चा नंबर मुझे चाहिए। वापस आए, चले गए ऑफिस में, वापस आए कुछ दिन पहले, चिदंबरम जी आए, कागज पे नंबर लिख दिया 72,000। मैंने कहा ये क्या 72,000 क्या है? कहते राहुल जी आपने कहा था आपको नंबर चाहिए, हम नंबर लाए। कितने सालों में ये आप 72,000 रुपए की बात कर रहे हैं? कितने समय में? 10 साल, 15 साल, 20 साल? कहते नहीं राहुल जी, एक साल, एक साल के अंदर आप 72,000 रुपए देने जा रहे हो। हां, कितने लोगों को मिलेगा? 5 करोड़ परिवारों को दिया जाएगा, 25 करोड़ लोगों को न्याय योजना का फायदा होगा। मैंने कहा अब आपने काम की बात की, अब आपने काम की बात की। पहले आपने कहा था कि पैसा नहीं दिया जा सकता, अब आप मुझे कह रहे हो कि पैसा दिया जा सकता है, क्या बदला? कहते राहुल जी मैं आपको समझाता हूं। कहते हैं जब नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की, गब्बर सिंह टैक्स, 5 अलग अलग टैक्स लागू किए, तो देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा। कैसे पहुंचा? ये जो माताएं बहने हैं इनके घर से पैसा निकाला नरेंद्र मोदी ने, जो यहां किसान आए हैं इनके जेब से पैसा निकाला नरेंद्र मोदी ने, अनिल अंबानी को दिया। जैसे ही नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी में इनसे पैसा लिया, आप सबसे पैसा लिया, आपने माल खरीदना बंद कर दिया। ये जो महिलाएं हैं, ये जो खरीदती थी, इन्होंने खरीदना कम किया, शर्ट पैंट जूता मोबाइल फोन जो भी पहले खरीदा जा रहा था
हिंदुस्तान की जनता ने खरीदना बंद किया, जैसे ही हिंदुस्तान की जनता ने खरीदना बंद किया दुकानदारों ने बेचना बंद किया, जैसे ही दुकानदारों ने बेचना बंद किया हिंदुस्तान की फैक्ट्रियों ने कहा कि भैया फैक्ट्रियों को बंद करना है, कोई वहां पे खरीद नहीं रहा है, नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी करी, फैक्ट्रियां बंद होने लग गई, एक के बाद एक फैक्ट्रियां बंद होने लग गई। फैक्ट्रियों के मालिकों ने युवाओं को बुलाया, उनसे कहते हैं देखो अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की, गब्बर सिंह टैक्स लागू किया, कोई कुछ खरीद नहीं रहा, अब हम कुछ नहीं बनाएंगे, चलो तुम जाओ वापस जाओ, बेरोजगार हो तुम। 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, सब नारे दिए मगर किया क्या? नोटबंदी और गब्बर सिंह टैक्स। अब न्याय योजना आएगी और ये कांग्रेस पार्टी के इकोनॉमिस्ट ने मुझे बताया, राहुल जी अब न्याय योजना आएगी, बैंक अकाउंट में पैसा जाएगा, 25 करोड़ लोगों को पैसा मिलेगा, जैसे ही वो पैसा बैंक अकाउंट में आएगा वैसे ही वो 25 करोड़ लोग, 5 करोड़ परिवार माल खरीदना शुरू करेंगे, कोई शर्ट खरीदेगा, कोई पैंट खरीदेगा, कोई जूता खरीदेगा, कोई डार्क ग्लासेस खरीदेगा, कोई टोपी खरीदेगा, कोई साबुन। जैसे ही आप लोग हिंदुस्तान की जनता माल खरीदना शुरू करोगे दुकानदारों की दुकान चालू हो जाएगी, जैसे ही दुकानदारों की दुकान चालू हो जाएगी हिंदुस्तान के फैक्ट्री के मालिक युवाओं को बुलाएंगे, कहेंगे इधर आओ भैया, लोगों ने माल खरीदना शुरू कर दिया, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था शुरू हो गई है, जंप स्टार्ट कर दी है कांग्रेस पार्टी ने, न्याय योजना ने, चलो चलो काम शुरू करो और लाखों करोड़ों युवाओं को रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। सीधी सी बात, नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था पर सर्जिकल स्ट्राइक किया, किसानों पर सर्जिकल स्ट्राइक किया, मजदूरों पर, बेरोजगार युवाओं पर सर्जिकल स्ट्राइक किया, हम गरीबी पे सर्जिकल स्ट्राइक करने जा रहे हैं, एक झटका मारेंगे, 72,000 रुपए साल के, 3,60,000 रुपए 5 साल के, हर महीना 6,000 रुपया 5 करोड़ परिवारों के बैंक अकाउंट में जाएगा, जनवरी में 6,000, फरवरी में 6,000, सितंबर में 6,000, दिसंबर में 6,000, चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। यहां बहुत सारे पुरुष आए हैं, मुझसे गुस्सा मत होना, अभी बता रहा हूं, बाद में नहीं कहना कि ये क्या कर दिया आपने, पैसा जाएगा तो महिलाओं के बैंक अकाउंट में जाएगा, महिलाओं के बैंक अकाउंट में जाएगा, मुझे नहीं कहना बाद में ये क्या कर दिया आपने, महिलाओं को दे दिया, नहीं, क्योंकि ये जो महिलाएं हैं ये पैसा इस्तेमाल करना आपसे अच्छा जानती हैं, इनकी दूर की दृष्टि होती है, ये सोच समझ के काम करती हैं, तो 5 करोड़ महिलाओं को सीधा बैंक अकाउंट में 6,000 रुपए महीने का, 3,60,000 रुपए 5 साल का। अब देखिए ये सच्चाई है, शिवराज चौहान जी ने झूठ बोला, हमने सच्चाई दिखाई, नरेंद्र मोदी ने 15 लाख का झूठ बोला, हम आपको 3,60,000 रुपए की सच्चाई दिखा रहे हैं, और मैं आपको गारंटी करके कह रहा हूं, जैसे मैंने मध्य प्रदेश के चुनाव में कहा था किसानों का कर्जा माफ 10 दिन के अंदर होगा, मैं आपको गारंटी करके कह रहा हूं जो भी पैसा इस चौकीदार ने अनिल अंबानी जैसे लोगों को दिया है एक एक करके मैं न्याय योजना में वो पैसा वापस आपको देने वाला हूं। आपने बात उठाई, आपने बात उठाई चौकीदार की बात उठाई, तो मैं थोड़ा सा उसके बारे में बोलता हूं। जहां भी जाते थे पहले नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचार की बात करते थे, आपको याद होगा काले धन के खिलाफ लड़ाई है, काले धन के साथ लड़ना है, काले धन को मिटाना है कहते थे। अब उनके भाषण देखिए, मध्य प्रदेश में आ रहे हैं, उनके भाषण देखिए, एक भाषण में नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार की बात नहीं करते, चुप चुप सन्नाटा,
जैसे अभी है देखो, बट चुप, बिल्कुल नहीं, भ्रष्टाचार की बात नहीं कर सकते। मैं बताता हूं क्यों, क्योंकि राफेल घोटाले में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने 30,000 करोड़ रुपए चोरी करके अनिल अंबानी के बैंक अकाउंट में डाला। अब सुनिए, थोड़ा सा मैं आपको गहराई में बताना चाहता हूं, और खासतौर से जो महिलाएं आई हैं, क्योंकि आपको समझना है कि ये आपका पैसा है। दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस का कॉन्ट्रैक्ट, लाखों करोड़ रुपए का हवाई जहाज का कॉन्ट्रैक्ट, हिंदुस्तान की एयरफोर्स को हवाई जहाज चाहिए देश की रक्षा करने के लिए। मनमोहन सिंह जी की सरकार ने, यूपीए की सरकार ने राफेल हवाई जहाज, फ्रांस का हवाई जहाज चुना। एयरफोर्स के लोगों ने उस हवाई जहाज को चुना, मनमोहन सिंह जी सरकार ने उनकी बात मानी। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड सरकारी कंपनी है, 70 साल से हवाई जहाज बना रही है। मनमोहन सिंह जी ने कहा हवाई जहाज हिंदुस्तान में बनेगा, शायद मध्य प्रदेश में भी बन सके, मगर हिंदुस्तान में बनेगा। 526 करोड़ रुपए के लिए एक हवाई जहाज खरीदा जाएगा। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं, फ्रांस जाते हैं, उनके साथ कौन जाता है? अनिल अंबानी जाता है। फ्रांस के राष्ट्रपति कहते हैं, प्रेस से कहते हैं, पत्रकारों से कहते हैं कि नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने मुझे बताया कि राफेल हवाई जहाज का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एचएएल को नहीं देना है, जहाज हिंदुस्तान में नहीं बनाना है, जहाज 526 करोड़ का नहीं खरीदना, 1600 करोड़ रुपए का खरीदना है, मगर सबसे जरूरी चीज अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट देना है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के बारे में बोला, फ्रांस के राष्ट्रपति ने बोला, मीटिंग में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने हमें यह कहा। और सुनिए, जैसे ही नया सौदा साइन हुआ, पत्रकार गए हिंदुस्तान के रक्षा मंत्री के पास, परिकर जी के पास, उनसे पूछते हैं, परिकर जी ये आपने कैसे बदल दिया? पहले 526 करोड़ का हवाई जहाज था, अब 1600 का है, पहले एचएएल को जा रहा था, आखिरी मिनट में अनिल अंबानी को दे दिया। परिकर जी कहते हैं, देखिए मुझे इसके बारे में कुछ नहीं मालूम, आप सीधा जाके प्रधानमंत्री से पूछिए, प्रधानमंत्री ने डिसीजन लिया है। कुछ ही दिन पहले वायुसेना के अफसर वायुसेना के डॉक्यूमेंट में लिखते हैं कि नरेंद्र मोदी ने हमें बाईपास करके, हमें हटाकर सीधा का सीधा सौदा फ्रांस की डैसॉल्ट कंपनी के साथ और फ्रांस की सरकार के साथ किया। और बताता हूं, फ्रांस की सरकार ने 1,000 करोड़ रुपया अनिल अंबानी का टैक्स माफ किया। राफेल कॉन्ट्रैक्ट के एकदम बाद 1,000 करोड़ रुपए फ्रांस की सरकार ने उसका टैक्स माफ किया। भाइयों और बहनों, इसीलिए नरेंद्र मोदी किसी भी भाषण में भ्रष्टाचार की बात नहीं कर सकते, क्योंकि चौकीदार 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 ये, और ये सच्चाई, ये अब आप पूछोगे ये नारा कहां से आया, ये कहां से आया? मैं बताता हूं, किसी पत्रकार ने मुझे पूछा ये आया कहां से, ये आपने कैसे सोचा? भाई और बहनों, मैंने नहीं सोचा, मैं भाषण दे रहा था छत्तीसगढ़ में, मैं बोल रहा था, ऐसी भीड़ थी, मैंने बोला चौकीदार ने कर्जा माफ नहीं किया, हम 10 दिन के अंदर कर्जा माफ करेंगे। चौकीदार ने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की, झट से वहां पे 10-15 युवा खड़े थे, झट से आवाज आती है, जैसे सुनो सुनो भैया,
जैसे मैंने बोला चौकीदार, मैं बोलने वाला था 2 करोड़ युवाओं को, जैसे मैंने चौकीदार बोला झट से 15-20 युवाओं ने बोला चोर है। मैंने कहा क्या बोला तुमने, कहते हैं चोर है। तो ये नारा हमने नहीं दिया, कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया मोदी जी, ये नारा हिंदुस्तान की जनता ने दिया है, जनता की आवाज है मोदी जी। और आप जनता की आवाज से, जनता की आवाज से कोई नहीं बच सकता। अब और बताता हूं आपको रोजगार की बात। बिना में मनमोहन सिंह जी ने ऐतिहासिक निर्णय लिया था, आपकी जिंदगी बदलने वाला निर्णय, रिफाइनरी बनाने का निर्णय, 5,000 युवाओं को रोजगार, 9,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी ने बिना रिफाइनरी का एक्सपेंशन होने दिया क्या? होने दिया? मेक इन इंडिया की बात की मगर आपकी बिल्कुल मदद नहीं की। अब मैं आपको ज्यादा सीधा बता देता हूं, मैं यहां झूठ नहीं बोलूंगा। सबसे पहले न्याय योजना से लाखों करोड़ों युवाओं को रोजगार मिलेगा, हिंदुस्तान की फैक्ट्रियां चालू होंगी, अर्थव्यवस्था जंप स्टार्ट होगी। मगर दूसरे नंबर पे नरेंद्र मोदी ने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की, मैं नहीं बोलूंगा, मगर मैं आपको सच्चाई बता दूंगा। मैंने पता लगाया है हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज, 27,000 युवा रोजगार खोते हैं, मगर मैंने पता लगाया, कांग्रेस की टीम ने पता लगाया, 22 लाख सरकारी नौकरियां आज खाली हैं, 22 लाख। मैं आपको 30 नहीं बोलूंगा, मैं आपको 30 नहीं बोलूंगा, 35 नहीं बोलूंगा, 22 लाख बोलूंगा। मगर मेरे मुंह से 22 लाख शब्द निकला तो मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं, 1 साल के अंदर 22 लाख नौकरियां आपके हवाले कर देंगे। मगर मैं 25 नहीं बोलूंगा, 30 नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं अगर मैंने यहां बोल दिया, अगर जोश में आके मैंने बोल दिया कि मैं 50 लाख नौकरियां दे दूंगा, अगली बार आऊंगा मुझे झूठ बोलना पड़ेगा, और मैं यहां अगली बार आना चाहता हूं। और जो मेरे दिल में बोलना चाहता हूं, अब मोदी जी के साथ मुश्किल यह हुई, कहीं जा नहीं सकते वो, जहां भी जाते हैं लोग देखते हैं कहते हैं ये तो झूठा व्यक्ति है, ये तो झूठ बोलता है, ये कैसा प्रधानमंत्री है, ये तो जहां भी जाता है झूठ बोलता है, इसमें तो कोई दम ही नहीं है। अच्छा कल देखा होगा आपने, ये अब क्या करते हैं, रोजगार की बात नहीं कर सकते, किसानों की नहीं कर सकते, 15 लाख की नहीं बात कर सकते, अच्छे दिन की नहीं कर सकते, अब सिर्फ बीते हुए समय की बात कर सकते हैं। पहले क्या हुआ, मोदी जी आपको प्रधानमंत्री हिंदुस्तान ने चुना 5 साल पहले, हिंदुस्तान आपके मुंह से यह नहीं समझना चाहता दूसरे लोगों ने क्या किया, हिंदुस्तान आपके मुंह से यह समझना चाहता है कि आपने क्या किया। और चुनाव हो रहा है मोदी जी, आप समझाइए, मैं विपक्ष का नेता हूं, मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री देश को समझाए कि हां मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, और आने वाले 5 साल में मैं ये करने जा रहा हूं। मगर आप बोल ही नहीं पा रहे, अगर आप बोलते तो हम चैलेंज करते, मगर आप बोल ही नहीं पा रहे हो, आप हिंदुस्तान को बता ही नहीं पा रहे हो कि पिछले 5 सालों में आप रोजगार के मामले पे फेल हुए। अच्छा ठीक है छोड़ दो, हम आपको माफ कर देंगे, मगर ये तो बताओ अगले 5 साल में क्या करोगे, ये तो बता दो। वो तो नहीं बन रहे, वो तो अलग बात है, वो तो अलग बात है, मगर प्रधानमंत्री को कहना चाहिए ना कि भैया मैं आपके लिए ये करना चाहता हूं, नहीं कह पा रहे। सारे कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेरों ने, हमारे वर्कर्स ने नरेंद्र मोदी जी के सारे दरवाजे बंद कर दिए, खट 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 खट, अब गुड बाय का टाइम आ गया है।
अब किसानों की बात, अब थोड़ी सी किसानों की बात, क्योंकि मैं जानता हूं मध्य प्रदेश के किसानों का कर्जा माफ हुआ, मगर मैं बोलूं तो किसानों के लिए कर्जा माफी भी कम है। जो किसानों ने काम किया हिंदुस्तान के लिए, हरी क्रांति की है, सफेद क्रांति की है, हिंदुस्तान को हमारा किसान भोजन देता है, दिन भर ऐसी धूप में काम करता है, कर्जा माफी भी बहुत कम है आपके लिए। ये कोई बड़ा काम नहीं किया। आप ये मत सोचिए, आप ये मत सोचिए कि आपका कर्जा माफ हुआ तो बहुत बड़ा काम हुआ। नहीं, अभी बहुत काम बाकी है। तो मैं आपको दो चीजें कहना चाहता हूं। आपके दिल से हम डर मिटाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान का किसान खुशी से काम करे, बिना डरे, बिना किसी से डरे काम करे। भविष्य से डरने की कोई जरूरत नहीं। तो हमने दो निर्णय लिए हैं, आपने ही सुझाव दिए, आपने ही कहा, हमने किया। पहला निर्णय आपने हमें कहा, देखिए राहुल जी, ये अनिल अंबानी जेल के बाहर है, मेहुल चौकसी बाहर, विजय माल्या बाहर, अनिल अंबानी बाहर, नीरव मोदी बाहर, इन सब ने बैंक से कर्जा लिया और वापस नहीं दिया। और नीरव मोदी 35,000 करोड़ रुपए लेके भाग गया, लंदन में घूम रहा है। अनिल अंबानी को उसके भाई ने जेल में जाने से बचाया, 45,000 करोड़ रुपए कर्जा है, उसका वापस नहीं देता। नरेंद्र मोदी उसको भाई कहते हैं। किसानों ने हमसे पूछा, राहुल जी एक बात समझा दीजिए हमें, बस छोटी सी बात है। क्या है राहुल जी? ये बाहर है, मगर यहां मध्य प्रदेश में कोई किसान 20,000 रुपए का कर्जा ले, 25 नहीं 20,000 रुपए का, चलो छोड़ो 20 छोड़ो, 5,000 रुपए का कर्जा ले, बैंक को वापस ना दे। कभी कभी हो जाता है, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, नुकसान हो जाए, कीड़े पड़ जाए, जो भी, वापस नहीं दे पाता तो उसे अंदर कर देते हैं। राहुल जी, क्या आपको ठीक लगता है कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े अरबपति भ्रष्ट लोग कर्जा लौटाने ना लौटाएं और जेल के बाहर खड़े दिखें, और मध्य प्रदेश का किसान, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश का किसान दिन भर काम करे, 5,000 रुपए वापस ना दे पाए और उसे अंदर कर देते हैं? क्या आपको ठीक लगता है? मैंने कहा नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं लगता, नहीं लगता, कैसे ठीक लगेगा? तो हमने आपकी बात मानी। अब आप कहोगे ये आपने कैसे कर दिया, देखना 2019 में। आप जब मैं आपको कहूंगा आप बात को मानोगे नहीं, आप कहोगे ये कैसे हो सकता है, हम आपको करके दिखाएंगे। 2019 के बाद हिंदुस्तान का कोई भी किसान कर्जा ना लौटाने के लिए जेल में नहीं डाला जा सकेगा। मोदी जी, आप चाहते हो कि हिंदुस्तान का ईमानदार किसान जेल जाए, तो पहले आप उस चोर अनिल अंबानी को अंदर करो, नीरव मोदी को अंदर करो, मेहुल चौकसी को अंदर करो, पहले उनको अंदर करो। जिस दिन आप उनको पकड़ के अंदर करोगे, उस दिन हम किसानों की बात करेंगे। उस दिन तक हिंदुस्तान का कोई किसान कर्जा ना लौटाने के लिए जेल में नहीं जाएगा। दूसरी बात, किसान भी प्लानिंग करना चाहता है। आपने देखा होगा जब हिंदुस्तान का बजट बनता है, लोकसभा में ऊपर विजिटर गैलरी में बड़े बड़े उद्योगपति बैठते हैं, पेन और पेपर लेके, कागज लेके लिखते हैं, इतना हमारा टैक्स कम हुआ, इस प्रकार से हमें सरकार ने मदद की। ऊपर आप देखेंगे, इस बार बजट में देखेंगे, आपको वो दिखेंगे। पीयूष गोयल जी ने बजट पेश किया, लाइन लगी थी वहां पे बड़े बड़े उद्योगपतियों की। किसानों ने हमें कहा, हम भी प्लानिंग करना चाहते हैं। किसानों ने कहा, देखिए राहुल जी, हमें साल की शुरुआत में आप बता दीजिए हिंदुस्तान की सरकार हमारे लिए क्या करेगी, कितना कर्जा माफ होगा, कितनी एमएसपी बढ़ेगी, कितना बोनस मिलेगा, फूड प्रोसेसिंग के कारखाने, टमाटो केचप बनाने वाले, आलू के चिप्स बनाने वाले, सोयाबीन के तेल बनाने वाले कहां कहां लगेंगे, आप पूरा का पूरा पहले हमें बता दीजिए। हमने कहा बिल्कुल सही बात बोली है। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार
किसान के आदर करने के लिए पहली बार दो बजट बनेंगे। पहले नेशनल बजट से पहले किसानों का एक बजट बनेगा। और मैं आपको बता रहा हूं, इस बार देखना, 2019 के चुनाव के बाद देखना, लोकसभा की विजिटिंग गैलरी में मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के किसान आपको दिखाई देंगे बैठे हुए वहां पे। और किसान अपने बजट को पेश होते हुए देखेंगे लोकसभा में। उसमें आपको बता दिया जाएगा इस साल इतनी एमएसपी बढ़ेगी, आंधी तूफान आएगा तो इतना कॉम्पेंसेशन मिलेगा, इन जगह हम फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, इस प्रकार की टेक्नोलॉजी आपके खेत में डाली जाएगी, पूरा का पूरा दूध का दूध, पानी का पानी शुरुआत में ही आपको दे देंगे, पता लग जाएगा। आखिरी बात मैं महिलाओं की करना चाहता हूं। मैंने बोला कि 5 करोड़ महिलाओं के बैंक अकाउंट में महीने का 6000, साल का 72000, 5 साल का 360000 रुपए डाला जाएगा। मैं दो और चीजें कहना चाहता हूं, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% रिजर्वेशन कांग्रेस पार्टी देगी, और नेशनल लेवल सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% रिजर्वेशन दिया जाएगा। ये हम आपके लिए सब करना चाहते हैं। मगर मेन बात आपसे कहना चाहता हूं, मैंने आपसे बोला कि हमने किसानों का कर्जा माफ किया, उसके बाद मैंने आपको कहा कि देखिए, आपने हमसे कहा कि बजट होना चाहिए, आपने हमसे कहा कि नया कानून बनना चाहिए किसानों के लिए, हम आपसे बातचीत करके काम करना चाहते हैं। आपको एक बात मालूम होनी चाहिए, आप मालिक हो, किसान, मजदूर, दुकानदार, छोटा बिजनेस वाला, मिडिल साइज बिजनेस वाला, देश की जनता, आप मालिक हो। हमारा काम आपकी बात सुनने का है, और जो आप हमें बताते हो, जो आपकी मन की बात है, उसके बल पर हमारा काम, हमें काम करना चाहिए। मैं नरेंद्र मोदी नहीं हूं, मैं लाल किले से या स्टेज से कभी नहीं कह सकूंगा कि मेरे आने से पहले ये हाथी सो रहा था, कभी नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि मैं समझता हूं कि मैं आप में से एक हूं, मैं अलग नहीं हूं। और मैं जानता हूं कि मेरे आने से पहले, मुझे छोड़िए हम सबके आने से पहले, इन सब लोगों के आने से पहले ये देश महान था, ये देश दिन भर काम करता था, ये देश के किसान अपना खून पसीना देते थे, सिर्फ आज नहीं, हजारों सालों से इस देश के किसान इस देश की मदद कर रहे हैं, इस देश के दुकानदार, इस देश के बिजनेस वाले, इस देश के युवा इस देश को बनाते हैं। मेरे दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं है, मैं आपके साथ मिलकर काम करना चाहता हूं, और जो आप मुझे कहोगे, जो आप मुझे कहोगे, मैं सुनकर समझकर आपके लिए करूंगा। मगर मैं एक बात पहचानता हूं कि शक्ति, ज्ञान हिंदुस्तान की जनता में है, सिर्फ उस शक्ति का इस्तेमाल करना और ज्ञान को, ज्ञान का इस्तेमाल करना राजनेता का काम होता है। मालिक फिर से आप हो। पिछले 5 सालों में नरेंद्र मोदी जी में कंफ्यूजन आ गया है। नरेंद्र मोदी जी सोचने लगे कि वो हिंदुस्तान को चलाते हैं। नरेंद्र मोदी सोचने लगे कि किसान की कोई जरूरत नहीं है,
उन्होंने एक नेता से कहा, विपक्ष के नेता से उन्होंने कहा कि अगर हिंदुस्तान के किसान गेहूं पैदा नहीं कर सकते तो दूसरे देशों से हम गेहूं मंगा सकते हैं, अगर हिंदुस्तान के किसान गन्ना नहीं उगा सकते तो हम कहीं और से चीनी मंगा सकते हैं। नहीं मोदी जी, हिंदुस्तान का किसान कुछ भी कर सकता है, अगर हिंदुस्तान के किसान की मदद की वो किसी को भी चैलेंज दे सकता है। और वही बात हिंदुस्तान के युवा के बारे में है, ये देश पूरी दुनिया को चैलेंज देने वाला है, मगर इस देश को, इस देश के नेता को समझना होगा कि एक व्यक्ति इस देश को नहीं चलाता है, हिंदुस्तान की जनता इस देश को चलाती है। और मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, और सिर्फ आपको नहीं, सिर्फ मध्य प्रदेश के लोगों को नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को। जब ओबामा अमेरिका का राष्ट्रपति कहता है कि अमेरिका सुपर पावर का मुकाबला सिर्फ हिंदुस्तान कर सकता है, तो वो किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा है, वो हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों की बात कर रहा है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।